और पता है फिर राबा और मैं मेरे ख्याल से अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारी ये जितने भी मजेदार कहानियां हैं वो कभी और सुने। लेकिन ना मुझे नींद ही नहीं आएगी, कल की इतनी घबराहट हो रही है, पता नहीं कल क्या होगा। पर मुझे तो पता है कल क्या होगा। क्या होगा? तुम कमाल का रिजल्ट लाने वाली हो और कमल सर का सपना पूरा करने वाली हो। अगर ये बात आबा ने कही होती ना तो मैं आंख बंद करके मान लेती। सही, मैं जानता हूं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे आबा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज है जो उनमें और मुझ में कॉमन है। कमल सर की तरह मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। लेकिन मैं अपने कल रिजल्ट देखूंगी कैसे? हाँ, कैसे देखोगी? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। आप भी ना मजाक मत करिए ना, करछी रोली में तो हम लोग स्कूल चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे रास्ता भी नहीं पता, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, और लैपटॉप होता तो इंटरनेट पे देख भी लेती। शांत, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा तुम्हारा रिजल्ट और बता भी दूंगा। आप कैसे देखेंगे? आपको तो कल पुलिस स्टेशन जाना होगा, फिर वहाँ पे काम होगा, आप बिजी हो जाओगे, भूल जाओगे। तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन छुट्टी ले लेंगे। तुम अपना रोल नंबर बताओ। आप कल छुट्टी मार लेंगे? हाँ। मजाक तो नहीं कर रहे? अब इसमें मजाक करने वाली कौन सी बात है। सही, अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन छुट्टी मारूंगा पुलिस स्टेशन से तो नागपुर के जितने क्रिमिनल्स है वो सारे सड़क पर उतर के नाचेंगे गाएंगे। तुम अपना रोल नंबर दे दो मुझे। हाँ। ये लीजिए। आपको पता है आबा और मैं जब वहां अब चुपचाप सो जाओगी? ओके। अपने कंफर्टेबल साइड पे आ जाओ। हाँ, पहले तुम्हारा ये ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। हाँ। लो। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, कल सही का रिजल्ट है, अपना आशीर्वाद इसके साथ रखना। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग होमी। गुड मॉर्निंग वहनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वहनी। क्या बात है, आज तुम दोनों ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराने वाली बात है वहनी। हाँ, बड़े दिनों बाद वो हमारी स्पेशल चाय जो मिलने वाली है। मैं पत्र लेखा के हाथ की। क्या बात। वहनी आइए ना। मस्त मस्त पत्र लेखा, हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारी इस चाय की याद आती थी। पत्र लेखा, मैं भी एक चाय पीऊंगी। जी मामी। मुझे तो लगता है कि सही अपने पैर फीट कदम अब रसोई में कभी रखेगी ही नहीं। वो क्या है ना, पत्र लेखा तो आ गई है तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी, है ना करिश्मा? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे थोड़ा काम है, मैं वापस आकर बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। देखा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सही की संगत का असर है। करिश्मा, तुम बाहर जा रही हो ना, जाओ। लेकिन 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 क्या काकू? इस घर में वापस कभी मत आना। लेकिन काकू, आई मैं तो बस। करिश्मा, तुमने मुझे अश्विनी वहनी जैसा समझ रखा है क्या, जो अपने बहू को सर पर चढ़ाऊंगी?
चुपचाप रसोई में जाओ और पत्र लेखा का हाथ बटाओ नाश्ता बनाने में। जाओ। You and I. अरे करिश्मा, तुम यहाँ कहाँ? बाहर का रास्ता तो। ओ अच्छा, किसी ने जाने नहीं दिया होगा ना? बोल रहा था मैं, नहीं जा पाओगी। सुनती कहाँ हो तुम? लेकिन बेबी सही भाभी, उनका तो जब मन करता है मुंह उठाकर कहीं भी चली जाती है बाहर, उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। अच्छा? लगता है अब तो उन्हीं से ही क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। तोता सिर्फ बात दोहरा सकता है, समझ कभी नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बेबी विराट अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? पत्र लिखा बेटा, जाकर पता करके आओ विराट की तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ विराट को, वो कभी अपनी ड्यूटी के लिए लेट नहीं होता, वक्त का बहुत पाबंद है वो। बहनी, विराट आज अपने फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गया। बेटा मालूम करके आओ वो ठीक ठाक तो है ना। बड़ी मामी आप प्लीज सही से कहिए ना, मैं कैसे? वो जंगली मुर्गी, सही और गलत का फर्क नहीं जानती वो। वो विराट की तबीयत ठीक है या नहीं है क्या समझ सकती? उसे अगर जरा भी फिक्र होती विराट की, तो इस वक्त वो उसके लिए नाश्ता बना रही होती, सो ना रही होती ऐसे आराम से। पत्र लिखा तुम जाओ, मालूम करके आओ उसका हाल चाल, वो ठीक ठाक तो है ना। पति की तबीयत के बारे में अगर पत्नी से पूछा जाए तो एक बार में ही जवाब मिल जाता है। अब हर पत्नी मेरे जैसी तो नहीं होती, पति की हर बातों से अनजान। अश्विनी जुबान चलाना मुश्किल नहीं होता है, जुबान पर काबू रखना मुश्किल जरूर होता है। पत्र लिखा तुम्हारी अश्विनी मामी को अपनी बहू की तरह बात करने की आदत हो गई है, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, जाकर देख कर विराट को, सब ठीक तो है ना? मैं विराट के कमरे में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे वहां जाने का कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाएगा और फिर मुझे सबके ताने सुनने पड़ेंगे, वो भी उस बात के लिए जो मैं करना नहीं चाहती। सही आओ बेटा, विराट की तबीयत कैसी है? उनको क्या हुआ है? अरे तो अभी तक वो ड्यूटी के लिए तैयार होकर नीचे क्यों नहीं आया? हो सकता है शायद विराट दादा आज थोड़ी देर तक सोना चाहते हैं। करिश्मा यहाँ बात विराट की हो रही है, मोहित की नहीं। इस घर में सिर्फ मोहित दोपहर तक सोता है, विराट हमेशा वक्त पर उठता है, कभी किसी चीज के लिए देर नहीं करता। हो सकता है बड़ी मामी कल विराट की नींद पूरी नहीं हुई हो, कल रात काफी देर तक उसके रूम की लाइट ऑन थी। पत्रलेखा तुम रात को सोती हो या पहरा देती हो? विराट के कमरे की लाइट कब ऑन होती है कब ऑफ होती है तुम्हें? अश्विनी मामी कल रात देर तक मैं किताब पढ़ रही थी और मेरी आदत है सोने से पहले किताबें पढ़ने की। मैं जानती हूँ विराट वक्त पर क्यों नहीं सोया, इसकी बड़बड़ करने की वजह से। क्यों हमारे विराट की आदतें खराब कर रही हो? कहां वो जल्दी सोकर जल्दी उठने वालों में से था, लेकिन तुम देर रात तक अपने फिजूल की बड़बड़ में उसे लगाकर उसे तुम्हारे जैसे बना रही हो। अरे साहब सो गया क्या? सवाल किया है मैंने, जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देती? सही इसे सही कहाँ आँख हो गई हो? क्यों हुआ? काकू कुछ पूछ रही है। क्या हुआ काकू? मस्त मस्त, जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल कर रही है। क्या हुआ काकू? तुम हमारी विराट को चैन से सोने क्यों नहीं देती? तुम्हारी बड़बड़ की वजह से हमारा विराट वक्त पर सो नहीं पाता है। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि सुबह उठकर उसे ड्यूटी पर जाना होता है। समय देखा है कितनी देर हो गई है। अरे काकू मैं क्यों नहीं जगा के रखूंगी,
और वो कोई बच्चे थोड़ी हैं जो मुझसे बात करने में इतने खो जाएंगे कि सोना ही भूल जाए। उनको अच्छे से पता है कब सोना है कब जागना है। अपनी जबान पर काबू रखो लड़की। सही जबान संभाल के ही बात कर रही है निनाद। उसे विराट के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है, आप क्यों उसे बिना वजह डांट रहे हैं? तुम क्यों बार बार उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैनी प्लीज, ये फालतू की बहस छोड़कर ना हमें विराट का पता करना चाहिए। बरोबर बोली सोनाली। पत्र लिखा, तुम जाओ देख कर आओ विराट को। सही सही, तुम जाकर देख कर आओ विराट ठीक है या नहीं। पत्र लिखा, तुमसे जो कहा जाए वो करो, जाओ जाकर देखो। बड़ी मामी, विराट। विराट, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरे? हाँ, मुझे क्या होगा काकू? खंडवा तुझे खूब खूब आभार। अरे तू काम पर नहीं जाना? वो मैंने आज एक दिन की छुट्टी ली थी। छुट्टी क्यों? एक बहुत ही जरूरी खबर आने वाली थी तो उसी का इंतजार था। मेरे प्रमोशन की खबर है क्या? अरे विराट, मैच खेलने नहीं आया, एक गोल से हार गया यार। विराट क्या बात है, किस खबर का इंतजार कर रहा था? अरे बोलना, क्या है न्यूज समाचार खबर? भाई कौन सी स्पेशल जगह पोस्टिंग हो रही तेरी? नहीं कोई पोस्टिंग की खबर नहीं है, इनफैक्ट ये खबर मेरे बारे में है ही नहीं, ये खबर सही के बारे में है। काय? सही के मेडिकल कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका रिजल्ट आया हुआ है। और क्या? और क्या विराट सर, बोलिए ना। और क्या वीरू, बताना। हाँ। और ये कि ए तू बताना तो फटकी दूंगी मैं। आई बता, जल्दी बता, जल्दी बता। सही ने कमाल कर दिया है, टॉप 10 में आई है, पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया उसने। वाओ। पापा, थैंक यू सो मच। क्या है? सही। मुझे पता था तू तो अपने आबा का सपना जरूर पूरा करेगी। आज कमल दादा होते तो कितना खुश होते। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? गणपति बप्पा की वजह से। चलो चलो उनके आशीर्वाद लेते हैं, चलो जल्दी। थैंक यू पप्पा। अब इसे जल्दी जल्दी डॉक्टर बनाओ ताकि सही ये घर और विराट की जिंदगी दोनों से दूर जा सके। मैंने कंग्रेचुलेशन सही। थैंक यू बाकी दीदी। आज तो तुम्हें सही पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना विराट? बिल्कुल, बल्कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। बस यूं समझ लो कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने IPS का एग्जाम फिर से क्लियर किया हो। Congratulations, so proud of you. Thank you. वाह सही भाभी, क्या बात है। Very very congratulations. Thank you. आप तो टॉपर निकले, दादा सट्टे हो। All the best सही। तुमने एंट्रेंस तो निकाल दिया, अब जल्दी डॉक्टर भी बन जाओ। Thank you. विराट जी बाबा, इतनी सी बात के लिए अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले दी? कॉलेज एडमिशन का रिजल्ट क्या आना था,
अपना फर्ज नजरअंदाज कर दिया तुमने। विराट ऑफिस में भी तो वक्त मिल सकता था इस काम के लिए, रिजल्ट भागा जा रहा था क्या? अरे नहीं नहीं काका, ये रिजल्ट सही के लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मेरा इसे जल्दी चेक करना बहुत जरूरी था। चलो अब तो रिजल्ट भी आ गया विराट, और तुमने इतने जोश इतनी खुशी से सबको बता भी दिया। आई थिंक अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। आज एक दिन अगर छुट्टी ले लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, सब बड़ों का ना आशीर्वाद ले लो। और देखो नीना दादा तो सबसे ज्यादा गुस्से में है, तुम ना सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करो। जाओ जाओ, अरे जाओ ना। वही नहीं, आप देखना। नहीं 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 बाबा, बस हो गया। अरे बाबा, आशीर्वाद देने में कैसी कंजूसी। नहीं नहीं नहीं, क्या कर क्या रही हो? आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा, और वो भी दिल से खूब सारा। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। बाबा क्या है ये, जब देखो झगड़ा, जब देखो बहस, इसके अलावा करती क्या हो तुम? क्यों क्यों दूं तुम्हें आशीर्वाद? में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दीजिए 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 दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, सुखी रहो। थैंक यू। अरे काकू, आपका जाने। चल बाजू लाओ, नहीं आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं दूंगी। चल, अरे चल, दीजिए। नहीं, देना पड़ेगा। अरे दीजिए आशीर्वाद, दीजिए। क्या कर रही है लड़की? ये हुई ना बात। ओह माय गॉड, अबे अबे वहीं से, जीते रहो, खुश रहो, दूर रहो। हाँ यही ठीक है, दूर दूर से आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तुम उन्नति करो, तरक्की करो, प्रगति करो, ठीक है? थैंक यू। और हमारी जान छोड़ो। सही, आजा बेटा। तुमने एक बच्ची से शादी कर ली विराट। आई अग्री, ये बच्ची जरूर है लेकिन समझदार और मैच्योर होने की राह पर है। बस रहने दो। बाकी दीदी, आप मुझे अभी आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, बाद में कभी भी आप दिल से मुझे दुआएं देना चाहेंगी तो मैं वो दुआएं जरूर लूंगी। मैं तो बस एक ही दुआ करूंगी सही, कि वो दिन हमारी जिंदगी में कभी ना आए, कभी ना आए। थैंक यू। सब जल्दी से मेरी भी ट्यूशन शुरू कर दो, ताकि इन सब को काबू करने के एग्जाम में मैं भी टॉप कर लूं। शिवानी बुआ, अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? मेरे पैर नहीं छूना। सही, मैं तो तुमसे बस 3-4 साल ही बड़ी हूँ ना, तुम मेरे गले लगो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहो। थैंक यू बुआ जी, मैं आबा का आशीर्वाद लेके आती हूँ। सही जी, कुछ भूल नहीं रही हो तुम? क्या मैं तो सबका आशीर्वाद ले लिया?
सबका आशीर्वाद ले लिया, मेरा आशीर्वाद नहीं लोगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।